निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट से संबंधित है। आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि सर बिहार एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 28/1/2020 को, उसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। उसी से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जारी किया गया था, उसमें ये चीज़ दिया गया है। तो चलिए पूरा वीडियो देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 2/2020 माननीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2019 के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद् द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2019 में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी या अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 28/1/2020 को दो पालियों में आयोजित होगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न था आप लोगों का, पूछा जाता था कि सर जो एग्ज़ाम होने वाला है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट का, उसका कहाँ एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कट लिखा गया है कि बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में, सभी जिला मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर, यानी जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र बनाया गया वहाँ वहाँ हुआ है। इससे पहले आप देख सकते हैं समस्तीपुर में, बेगूसराय में, नालंदा में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पे इतने परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, कि ये सारे जिले वाइज आपको डेटा मिले होंगे वहाँ के न्यूज़पेपर में, वहाँ के संस्करण में, न्यूज़पेपर के संस्करण में आपको देखने को मिला होगा। वही चीज़ यहाँ भी क्लियर कट उन्होंने लिखा है। अब आगे इसमें देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। प्रथम पाली में पेपर 1 एवं द्वितीय पाली में पेपर 2 में निम्नांकित विषयों की परीक्षा होगी। कौन कौन सा विषय है वो है, पेपर 1 में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान होगा। पेपर 2 में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एवं मैथिली का परीक्षा होने वाला है। परीक्षा की तिथि है आपका 28/1/2020। प्रथम पाली आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, ये 2.5 घंटे का होता है एग्ज़ाम। और इसमें पेपर 1 होगा यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 पेपर 1। द्वितीय पाली में आपका 2 बजे से स्टार्ट होगा और 4:30 बजे तक होगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट पेपर 2 होगा। इसमें ये 2-3 चीज़ें और भी हम इंक्लूड कर देते हैं। पहला चीज़ कि आपको जूता मोजा वगैरह पहन के नहीं जाना है, आपको चप्पल पहन के जाना है, घड़ी नहीं होना चाहिए, पर्स वगैरह देख लीजिएगा, इसमें तो लिखा होगा कि क्या क्या, गैजेट नीचे में लिखा होगा कि क्या क्या आपको लेके नहीं जाना है, पर्स इत्यादि भी मना है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो समय से पहले आप 1 घंटे पहले पहुंचिएगा, क्योंकि आधे घंटे पहले एंट्री होगी। जैसे 10 बजे प्रथम पाली है तो आपको 9:30 बजे पहुंच जाना है, मतलब उससे पहले कोशिश कीजिएगा पहुंचने का, 9:30 बजे से आपका एंट्री होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह द्वितीय पाली आपका 2 बजे है तो आपका 1:30 PM पे आपका एंट्री होना शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले कोशिश कीजिएगा पहुँचने का, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो 1 घंटा पहले ही पहुँचिए। इसमें आगे लिखा गया, उक्त परीक्षा अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की गई है। साथ ही परीक्षार्थियों की उपस्थिति सामान्य विधि के अतिरिक्त बायोमेट्रिक विधि से भी लेने की व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई है। परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, गणितीय टेबल, भौतिक चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, ब्लूटूथ, एयरफोन, पेजर, बैग, पर्स इत्यादि लाना वर्जित है। इसमें घड़ी इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन जब हमने पिछला वीडियोस बनाया तो उसमें हमने आपको बताया था कि घड़ी वगैरह नहीं लेके जाना है। इसके आगे लिखा गया, उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की तिथि से कम 1 सप्ताह पूर्व दी जाएगी। यानी कम से कम 1 सप्ताह पूर्व, यानी जो आपका एडमिट कार्ड के बारे में यह है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का, तो 1 सप्ताह पहले से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 28 तारीख है तो 28 तारीख से पहले 1 सप्ताह देख लीजिए कब तक होगा, यानी देखा जाए तो आपका 18 के बाद से आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, उससे संबंधित सूचना भी मिल जाएगी और एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि एडमिट कार्ड वगैरह ये सब भूल जाइए, तैयारी करना शुरू कीजिए। हमने आपको बताया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बाहरी इसमें आवेदन नहीं किए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका प्लस पॉइंट है। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। 150 प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे हैं तो आराम से इसका तैयारी कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है, उस पर बहुत सारे वीडियोज़ पहले से भी बन रखे हैं, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका
पूर्ण रूप से तैयारी शुरू हो गया होगा। ओके धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें ओल्ड वीडियोज को। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये